मैं सुमन प्रताप बौद्ध गाथा वाचक और फिल्म संग गायक। आज कृष्णा स्टूडियो मुरैना इन चैनल के माध्यम से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूँ। और आज आप जिन हस्तियों को आप यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं, फेसबुक पर भी सुनते हैं, वो महान हस्तियाँ जो कि लाखों उनके व्यूवर्स हैं और हजारों उनके सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, वो सोचते होंगे कि आखिर ये कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, और ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, इनका रोज़मर्रा का जीवन क्या है। तो ये सारी तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको आए दिन परेशान भी करते हैं। तो लीजिए, मैं आज आपको उन बहुजन समाज के गायकों से रूबरू कराता हूँ जिनको आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये भाई पूरन सिंह सेमिल जी, बहुजन समाज के बहुत अच्छे गायक हैं और साथ साथ एक उभरते हुए सितारों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेमिल जी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समाज के और सभी समाज के जो उभरते हुए कलाकार हैं और उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे के उनकी पहचान जो समाज में दिला रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र। तो सेमिल जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ जो मुझे भी परेशान करता है कभी कभी, कि आपको ये जो संगीत का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, ये क्या बचपन से ही है या बीच में से? तो इसका थोड़ा सा आप मुझे, आप पहले अपना एड्रेस पूरा दे करके मुझे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो भीम में सर, मैं मुझे गाने की बहुत अच्छी रुचि बढ़ने लगी थी। मैं भीम में सर में काम करने लगा और भीम सन का गायन करने लगा, भीम सन का गाने। और आज आप इस मुकाम पर, आज मेरी कुछ पहचान बन गई जी। मनु बाद में मैंने काफी गाया, लेकिन जिस दिन से भीम सन में मैंने कदम रखा है, तो उस दिन से मेरी समाज में अच्छी पहचान बनी है और MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, कई एक स्टेटों में मुझे बुलाते हैं भीम सन जागरण के लिए। तो ये मुझे पहचान दी है वो सुमन चौधरी की बदौलत से आज भी मिली है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और ये आपका बड़प्पन है। हालांकि मेरी कोशिश रहती है पूरन सिंह जी के, आज एक सुमन चौधरी नहीं, एक पूरन सिंह जी नहीं और एक सुमन मुखरिया नहीं, ऐसे तमाम बहुजन समाज के जो गायक बने जो समाज को जागृति प्रदान करें, समाज को जगाने का काम करेंगे। तो ये हमारी आपकी सभी की सोच है और सभी का एक मुकाम ही होना चाहिए, मंजिल मिलेगी जरूर। और मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ सिमल जी, कि आपने जब जैसे अभी आपने बात करी कि मैं पहले मूवमेंट जो गाता था वो मनुवादी गाता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी पहले मनुवाद का ही हिस्सा था, मनुवाद को गाता था। हाँ, तो अब आपने कहीं ना कहीं मेरे से किसी गीत की या कैसी प्रेरणा ली होगी, जो मुझे भी ध्यान है कि मैं आपको कई बार प्रोग्राम में भी ले गया। तो ये तो आपका भी बड़प्पन है, हालांकि मैंने कुछ दिया नहीं, लेकिन आपने देख देख के और सीख सीख के काफ़ी मुकाम पर, आज हो सकता है कि आप, मैं चाहता हूँ मेरे से भी आगे जाएं, आपका चैनल भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। तो मैं एक बात और मुझे परेशान करती है कि आपका नाम वैसे भी आता है कि जब सिमल जी स्टेज पर जाते हैं तो अच्छे से वो गायक कलाकार भी आते हैं तो कांप जाते हैं, मतलब एक नंबर एक झटका तो आप ऐसा देते हो कि क्या है, वो अंदर से झकझोर जाते हैं। तो आपका कंपटीशन का भी दौर कुछ रहा होगा सिंगरों के साथ में, गायकों के साथ में, ये तो कुछ मुझे उस समय पर कैसा लगता है? ये मुझे कुछ जो ताकत दी है जी, सब बाबा साहब की, बहुत बड़ी। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे पी करके हर कोई शेर की तरह धार सकता है जी। तो बाबा साहब के कदमों पर चल करके मुझे हर कदम आगे के लिए मेरे चले हैं और आगे के लिए मैं उन्नत करता हुआ चला हूँ। और पर हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, जिस दिन से मैंने मनुवाद को छोड़ करके और भीम मिशन में कदम रखा है जी, उस दिन से मैंने मुड़ करके मनुवाद की तरफ झांका भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और अब मुझे चाहे कोई 1 लाख रुपए क्यों ना दो देवे, मनुवाद गाने के लिए, मनुवाद ही गाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई 1 लाख रुपया, आपका दृढ़ संकल्प, चाहे मुझे कुछ मिले या न मिले, गाऊंगा तो भीम मिशन में गाऊंगा,
अन्यथा मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। मुझे लग रहा है आपकी बातों से लग रहा है कि आप जो कि पैसे के लिए काम नहीं करते, आप पक्का बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वो मिशन भी ताकत आपके जो अंदर जो है जुनून है, तो ऐसे मिशन भी अगर गायक समाज में होंगे तो मैं आपको बता दूं साथियों के इसी तरह तभी हमारा समाज एक दलदल से निकल करके और एक किनारे पे आएगा और उभरते हुए सितारों का और भी प्लेटफॉर्म हमारे पूरन श्यामल जी देते रहते समय समय पे। और हमारे साथ में ग्वालियर से चल कर आई हमारी बहन सुमन मुखरिया जी भी है। मैं आपको एक दो सवाल पूछूंगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर स्पेशल आप कंटेंट किसी दिन लेते हैं और समाज में आपको भी रूबरू कराते हैं। मैं जब आई तो शुरू शुरू में वो क्या घटनाएं रही, वो क्या समय रहा जहाँ तुम ऐसे मोमेंट में आई, क्या सोच के आई, ये थोड़ा सा बताएं। आप अपने नाम से शुरू करें। मेरा नाम सुमन मुखरिया, मैं ग्वालियर से हूँ। तो मैं कहाँ कैसे मूवमेंट में आई ये पूछा मैंने। मैं शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म को मानती थी और जागरण भी किया था। इसको मैं पकड़ लेता हूँ, आप आराम से दोनों हाथों से एक्सप्लेन करें। जागरण भी किया था मैंने, पर कई भाई लोग मेरे थे उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि क्या है फला देखा, पर मुझे तो नहीं जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि बौद्ध धर्म क्या है, बाबा साहब क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तभी मेरे भैया लोग एक किताब लेके आए थे महिलाओं की, बस मैंने उनको पढ़ा, उसी के दूसरे दिन मैंने सारे जो देवी देवता थे जिनकी मैं पूजा करती थी हेलो वो मैंने सारे कचरे में डाले। अच्छा आ रहा हूँ मैं, दो मिनट आ रहा हूँ। पर उसके बाद लोगों ने बुरा भी लगा, पर मेरे को बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे को उस चीज़ की सच्चाई लगी। रमा भाई की उस कथा को मैंने पढ़ा था तो मेरे को भी लगा जब वो इतना काम कर सकती हो तो हम इस धर्म को नहीं छोड़ सकते क्या। उसी किताब ने मेरे को बहुत अच्छी से प्रेरणा दी और मैं आज जो भी हूँ उसी के बदौलत। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे अभी भी कार्यक्रम में जाते हैं, हम भी देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी सुनते रहते हैं, तो क्या आपका उद्देश्य क्या है कि इसको गायकी के माध्यम से आप किस मंजिल तक जाने की कोशिश कर रही हैं, पहुँचेंगी, ऐसा कुछ संकल्प बनाया आपने? हाँ, गाने के माध्यम से जितना मेरे से बनेगा बाबा साहब का उतना ज़्यादा मैं उसका प्रचार प्रसार करूँगी और आगे काम करूँगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप पैसों के लिए करती हो ये काम, लेकिन फ्री में पूछ रहे था, मुझे नहीं पूछना चाहिए, समझ चाहता हूँ, क्या ये आपका प्रोफेशन है या मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित है? नहीं सर, ये मुझे मिशन के लिए, क्योंकि पैसा तो बहुत है पर हमारी ज़िंदगी कम है, मिशन के लिए देखिए तो जितना भी है मैं अपना मिशन के लिए करूँगी। चलो बहुत अच्छी बात, बस बहुत बहुत साधुवाद। और ये थी सुमन मुखरिया जी जो ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, बोल पहाड़िया और श्रीराम कॉलोनी से हैं। और एक बात और बता दूंगा आपको कि ये बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं है, इनका म्यूजिक जो है, इनका संगीत जो है, वो पूरी तरह से बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समर्पित है, समाज को बढ़ाने के लिए समर्पित है। और एक बात और बता दूँ कि पैसे की ज़्यादा इनको भूख इसलिए नहीं है कि वो सक्षम है, उनके जो मिस्टर हैं हस्बैंड हैं वो भी एक अच्छे खासी नौकरी पर पदस्थ हैं, फौज में हैं और SI के पोस्ट पर हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी। आज हम जो जहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ ये कृष्णा स्टूडियो मुरैना से है, मध्य प्रदेश से है, जहाँ हम लोग बैठे हैं। ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पूरन भाई साहब ने लगा रखा है, ये खुद का सिंथेसाइजर है, ये क्या नाम कहना चाहिए पैड है और सैम्पलर भी है, ये मोनीटर लगा रखा है, ये यामा का बहुत अच्छा सा मिक्सर है जिसमें से काफ़ी क्वालिटी निकलती है, ये पूरा बना कर का सिस्टम। अंदर आप देखेंगे तो ये जो जहाँ लोग रिकॉर्डिंग करने आते हैं गायक कलाकार, उनका मेल फीमेल दोनों का सिस्टम बना के रखा है और पूरा कोच एक तरह से ऐसा लगता है जैसे जयपुर और दिल्ली का स्टूडियो। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो कंपेयर हम लोग करते हैं गानों को उनके भी हम सुनते हैं, जयपुर वालों के, दिल्ली वालों का, आगरा वालों के, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई इन्होंने कमी छोड़ी हो, और थोड़ी बहुत अगर कमी रहेगी भी तो ये पूरी करेंगे मुझे लग रहा है। और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया कि मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना, मुझे अपने सितारों को, उभरते हुए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे करके और जैसे तमाम लोग गायक बन के गए और अपने समाज को जगा रहे, सब इन्होंने संकल्प लिया, तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज इस कृष्णा म्यूजिकल कृष्णा स्टूडियो मुरैना की तरफ से सभी हमारे दर्शकों को बार बार बधाई देता हूँ, बार बार साधुवाद देता हूँ। मेरी ओर से, पूरन सिंह सैनी जी की ओर से और सुमन मुखरिया जी बैठे हैं, हम सभी की ओर से आप सभी को नमो बधाई, जय भीम।